अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। वीवर्स, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को क्योंकि इतना जगह सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी जगह सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो वीवर्स, चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। तो आज की जो सी हमारी रेसिपी है वो बहुत ही स्पेशल है, KFC स्टाइल फुल फ्राइड चिकन। जी हाँ बिल्कुल, आप लोगों के साथ हमने बहुत सारे फ्राइड रेसिपीज शेयर की हुई हैं, तो आज हम आपको जो सिखा रहे हैं वो है फुल फ्राइड KFC स्टाइल चिकन। तो ये कैसे बनेगी, इसकी रेसिपी क्या है, जानते हैं मामा से। जी मामा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरे बहन भाइयों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए मैंने मुर्गा मंगाया, ये देखिए मैंने टक लगा दिए, ये देखिए ऐसे ऐसे करके ना मैंने ना मतलब साबुत ही मुर्गा। हाँ जी, ये देखिए मैंने सारी जगह पे टक लगा दिए, ये देखिए ना आप। या अच्छा जी, अब बिस्मिल्ला करके ना हमने दही है ये मैंने ली है, देख लें आधी कटोरी से कुछ थोड़ी सी ज़्यादा ही है, ठीक है। इसमें ना मैं ना मसाले डालती हूँ क्योंकि ये बच्चे पसंद करेंगे करारा, तो ये ना थोड़ा सा ये मैंने ना एक चम्मच डाल दिया, ठीक है। दादरी भी मिर्च। हाँ जी, तो ये ज़ीरा, ठीक है, ये भी एक चम्मच ले लिया। हाँ जी, आप देखें ना, आप मैंने ना वो दादरी मिर्चें ज़्यादा ली है ना, ये आधा चम्मच ले लेती हूँ, ठीक है। सुरख मिर्च। हाँ जी, ये थोड़ा सा गरम मसाला, ठीक है, ये काली मिर्च, ठीक है, तकरीबन हाफ टेबल स्पून। हाँ जी, ये सूखा धनिया वो तो भर के मैं चम्मच लूँगी, तो खुशबू भी और लेकिन जायका भी अच्छा। हाँ हो जाएगा। अब ये नमक है, जैसे आप मतलब नमक मुनासिब, मैं नमक डाल एक चम्मच मैंने डाल दिया अंदाजे से, क्योंकि हम भी कम खाते हैं, फिर ऐसे भी जायका अच्छा आ जाए मैं कहती हूँ। ये ना मैं सारा चीज़ें ना मिक्स कर रही। अच्छा, तो आप लोगों ने रिवर जो चीज़ नोट करनी वो ये है कि हम लोगों ने जब इसकी मैगिनेशन करनी है तो हम लोगों ने दही में सब चीज़ों को मिक्स किया है। हाँ, मतलब हम लोगों ने इसके ऊपर चिकन के ऊपर कुछ भी नहीं डाला, हमने दही के अंदर अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। और क्योंकि आज की जो हमारी रेसिपी फुल फ्राइड चिकन हम लोगों ने जो KFC स्टाइल में आपको बनाना सिखाना है। बिस्मिल्लाह। तो ये देखिए, अब ये जो चीरे हैं ना लगाए हमने, कट लगाए हुए। हाँ जी, ये ना सारे इसमें ना भर दें आप, फिलिंग कर देनी है। हाँ जी, अच्छी तरह 2-3 घंटे के लिए रख दें आप, मैगिनेशन करके रख देना। हमने जितनी ज़्यादा अच्छी मैगिनेशन होगी। हाँ जी, फ्रिज में रख दें आप, तो फिर तलने से पहले ना मतलब निकाल के फिर वो लगाएंगे ना मैदा वगैरह। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी दी आपने, क्योंकि फुल फ्राइड चिकन आज हम लोगों ने करना है, उसे पहले सिखाया वो आपको बहुत सारी रेसिपी शेयर की हुई हैं, लेकिन ये फुल फ्राइड चिकन कैसे बनेगा मैं आपको ना एक और तरीके से भी ना बताऊंगी मुर्गा बनाने का, वो भी मैं आपको ना बना के ना दिखाऊंगी किसी दिन ना, वो भी इंशाल्लाह जल्दी, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छी तरह से हम लोगों ने इसकी मैगिनेशन करनी है, क्योंकि जितनी अच्छी मैगिनेशन हुई होगी उतनी ही अच्छी आपकी जो चिकन है वो बनेगी। ये ना मैंने इधर भी चीरे थे ना जो इधर भी लगा देती हूँ। अच्छी तरह से हम इसकी फिलिंग कर रहे हैं, इसको बना रहे हैं। तो व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आपको जो सी हमारी आज की रेसिपी वो पसंद आएगी इंशाल्लाह, और आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें और अपनी फीडबैक दें कि जो सी आज हम लोगों ने KFC स्टाइल फुल फ्राइड चिकन रेसिपी जो आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं आपको कैसी लगी, और आपको ये जो है हमने रेसिपी सिखाई है उसको आप लोगों ने ट्राई किया है, अगर करते हैं तो हम उसकी फीडबैक भी ज़रूर दें और ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि इस तरह की यूनिक जो चीज़ें होती हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट रेसिपीज़ होती हैं, तो आप उसको ज़रूर ट्राई करें, उसमें डिफरेंट होता है आपका टेस्ट भी, फ्लेवर भी, और जिस तरह की चीज़ें खाने से ये है कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी जो कुकिंग है वो किस हद तक अच्छी हो गई है। घर में भी आप बना सकते हैं, पहले लगा के रख लें, मेहमान आने हों वैसे भी आप खा सकते हैं ऐसे बना के। ये देखिए मैंने मसाला लगा दिया, अब इसे अब मैं 2-3 घंटे के लिए मैं शाम को तलूंगी, अभी नहीं, ठीक है। तो व्यूअर्स, ये आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों चिकन को मैरिनेट करके रख दिया है, अब इसकी मैरिनेशन तकरीबन हम लोग 2-3 घंटे के लिए लाजमी करेंगे, तो फिर आपको दिखाते हैं, आप लोगों ने कहीं जाना हमारी वीडियो को पूरा देखना। हाँ जी जी, तो व्यूअर्स आप लोग देख सकते हैं कि जैसा कि हम लोगों ने आप लोगों को बताया था कि आज हम आपको जो सा KFC स्टाइल फुल फ्राइड चिकन रेसिपी शेयर कर रहे हैं, तो हम लोगों ने इसको मैरिनेट करके तकरीबन 3-4 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। तो रेफ्रिजरेटर में रखने के बाद अब हम लोगों ने आप लोगों के सामने निकाल लिया इसे, तो अब देखेंगे कि मज़ेदार सा जो सा हमारा फुल फ्राइड KFC स्टाइल चिकन फ्राइड है ये कैसे रेडी होगा। तो जी मामा, आप क्या कर रहे हैं आप? अब मैं इसे ना ये मैदा कॉर्नफ्लावर है ना तो मिक्स तो हम लोग उसके ऊपर कोटिंग कर रहे हैं अब। हाँ जी, तो ये कितने आराम से तसल्ली से कोटिंग की जा रही है, दुबा दुबा कर कैसे कोटिंग हो रही है, क्योंकि हम घरेलू है ना तो हमने तो ऐसे करनी है ना, वो दुकानदार तो ना उनके पास खुला होता है बर्तन,
तो वो फिर वो कह लेते हैं, हम लोग तो घर में करते हैं ना ऐसे, जैसे हमारे पास सामान होता है जो बर्तन हमारे पास दस्तियाब होंगे। हाँ वो तो बड़े बड़े होते हैं ना, उनके पास टप की तरह के बर्तन होते हैं उनके पास, तो दुकानदारों के पास, तो वो आराम से कर लेते हैं। वो तो ऐसे ही जाना है, ये हमारा भी ऐसे ही सही। कितनी अच्छी मतलब इसकी कोटिंग की जा रही है, इंशाल्लाह बहुत अच्छा बनेगा। आप भी ट्राई करें बना के अपने घर, कि बिल्कुल एक यूनिक सी रेसिपी है। मतलब फ्राइड चिकन तो सब लोग बनाते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे फुल फ्राइड चिकन, मतलब जो फुल चिकन हाँ। है उसको हम लोग फ्राई कर रहे हैं, तो बहुत ही डिफरेंट सी ये रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार बनेगी। और आप लोग देखें कि हम लोग किस तरह बना रहे हैं, और जो स्पाइसेस वगैरह वो भी आपने देखे। और सबसे अच्छी बात कि हमने इसको मैरिनेट काफ़ी अच्छा कर लिया है। हाँ जी, ये देखें ना, मैं आप जो आ रही हूँ इसे, अब ना मैंने इसे ना पानी में, ये देखें ओके पानी में भी डिप करना था। हाँ जी, मतलब डबल कोटिंग करनी है हमने। हाँ जी, ये देखें, ये देखें हो गया ना अच्छी तरह, पानी जोड़ के ना, अब फिर इसे इसमें फिर से पाउडर लगाना। हाँ जी, नहलाने के बाद फिर पाउडर लगाना है इसका। हाँ जी। अच्छा तो हम लोग यहाँ पे डबल कोटिंग कर रहे हैं, इसके बाद हम लोगों ने इसको फ्राई कर लेना ट्रे। हाँ जी, फिर काम खत्म। लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि ये अभी अनकुक्ड है, तो कुक होने में थोड़ा टाइम लगेगा इसको, तो धीमी धीमी आंच पे हम लोग इसको फ्राई करेंगे। मैं थोड़ी सी आग हल्की कर, मैंने ना तेल डाल दिया, तो तेल मैं बना रही हूँ ना इसकी पापा की वजह से, ठीक है, डाल डे में नहीं बना रही मैं, ठीक है। मतलब वैसे तो यूजली कोई चीज़ फ्राई करनी हो तो कहते हैं कि घी में फ्राई किया जाए, लेकिन हम लोग कुकिंग ऑयल के अंदर फ्राई कर रहे हैं, और हम लोगों ने यहाँ पर अच्छी तरह से इसकी जो सी है ना वो कोटिंग कर लेनी है। सेकंड टाइम हम लोग कोटिंग कर रहे हैं, अच्छे से हम लोगों ने कोटिंग करनी, पानी में डिप किया, दोबारा कोट किया, और अब हम लोग जो इसको है फ्राई करेंगे। हम लोगों ने घी को एक नॉर्मल टेम्परेचर पे गर्म करना है, जैसे कि आप लोगों को पहले भी बताया होगा कि जब भी कोई आप लोगों ने चीज़ फ्राई करनी है तो घी को एक खास मिकदार पर गर्म करें और उसके बाद उसे फ्राई करें। तो यहाँ पर सेम ऐसे हम लोग कर रहे हैं, तो अब इसको फ्राई करते हैं और आपको दिखाते हैं। ये लें जी, हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो तेल गरम कर लिया है, अब हम लोग इसके अंदर ये अपना चिकन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ओके। तो यहाँ पे हम लोग इसको फ्राई कर रहे हैं, हम लोगों ने धीमी आंच पे इसको फ्राई करना है, और कोटिंग आप लोग देख सकते हैं हम लोगों ने डबल की है, और शोर बहुत ज़्यादा हो रहा है, धीमी धीमी आँच से हम इसको बनाते हैं, और आपको दिखाते हैं कि जो फुल फ्राई मार की है फ्राई चिकन है वो कैसे रेडी होगा। जी तो व्यूवर्स, आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने इसकी साइड यहाँ पर पलट ली है, साइड चेंज कर ली है, और देखिए माशाल्लाह कितना ये ज़बरदस्त और उम्दा लग रहा है। और हम लोग इसको यहाँ पर बना रहे हैं, हम लोग इसको पलट रहे हैं आराम आराम से, आप लोगों ने धीमी आंच पर इसको बनाना है और पलटना है, ताकि जो हमारा चिकन, क्योंकि हम लोगों ने फुल फ्राइड मतलब फुल चिकन को फ्राई करना है, तो ये इसलिए हमको थोड़ी तसल्ली के साथ करना पड़ेगा कि जो हमारा चिकन है वो टूटे ना और ख़राब ना हो। तो यहाँ पर हम इसको धीमी आंच पर बना रहे, तो व्यूअर्स आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, हमारी वीडियो को पूरा देखना है। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल कोई भी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि हमारे हर आने वाले नई वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और आप इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपी जो सी नित नई लेकिन आसान तरीके से बनाने सिखाई जाती हैं आप लोगों को, वो आप सीख सकें। जी तो व्यूअर्स, आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने इसकी साइड पलट ली, और कलर आप देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितना उम्दा कितना ज़बरदस्त आया है कि देखकर ही मुंह में पानी आ रहा है। तो मैं तो कि जल्दी से कि चिकन तैयार हो और मैं इसको खा लूँ। तो व्यूअर्स आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें और हमें अपनी फीडबैक देखें। जो मज़ेदार सा आज हम लोगों ने KFC स्टाइल फुल फ्राइड, और फुल फ्राइड हम लोग कैसे कर रहे हैं आपके सामने कर रहे हैं, और कलर तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही उम्दा है, कलर का क्या कहना है ये देख लें आप, तो इतना ज़बरदस्त ये देखने में लग रहा है। और खुशबू यहाँ पर बहुत ही आला आ रही है कि जिसकी वजह से मुँह में बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है कि जल्दी से ये तैयार हो और इसको खा लें। लेकिन जल्दी में हम लोगों ने ये नहीं भूलना क्योंकि जो चिकन है वो बिल्कुल कच्चा है, पहले हमने इसको कुछ भी नहीं किया, वो ना पकाया हुआ है, तो देखिए इसको धीमी धीमी आँच पर हम लोगों ने पकाना है, ठीक है। तो व्यूअर्स यहाँ पर हम लोग अपने चिकन को तैयार कर रहे हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि जो मज़ेदार सा चिकन है हमारा फाइनल लुक क्या होगा। हाँ जी, ये ना हमारा हो गया तकरीबन, अब मैं निकालूंगी फिर इसे एक दफ़ा ना फ्राई करूंगी। अच्छा मतलब हम लोगों ने दो बार पकाना है इसे। हाँ जी, अब मैं निकालती हूँ निकाल के ना फिर मैं एक दफ़ा और फ्राई करूंगी इसे, ठीक है। मतलब टू टाइम्स हम लोगों ने इसको फ्राई करना है, फर्स्ट टाइम हम लोगों ने बना के निकाल लेना है, दोबारा फिर हमने इसको डालना है। हाँ जी, फिर ये खाने के लिए तैयार होगा। ओके okay. तो हम इसको निकालते हैं और आपको दिखाते हैं, लेकिन हम इसको दोबारा फिर फ्राई करना है। हाँ दो बार फ्राई करना है, उसके बाद फिर ये फाइनल होगा हमारा।
जी तो व्यूवर्स, आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पर फुल फ्राइड KFC स्टाइल जो चिकन है उसको रेडी कर लिया। माशाल्लाह माशाल्लाह जो खुशबू इस वक्त आ रही है और फाइनल लुक अमेजिंग, बहुत ज़बरदस्त हो गया इसका ये फाइनल लुक। आप देखें जो चिकन है वो भी बिल्कुल गल चुका है, बहुत अच्छा सा ये जो हमारा KFC स्टाइल क्रिस्पी फ्राइड चिकन है ये रेडी हो गया है। हमने इसको प्याजों, हरी मिर्च और केचप के साथ इसको गार्निश किया है, ये इसका फाइनल लुक है। तो आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ, तो उम्मीद करते हैं कि हम लोगों ने इसके साथ नींबू भी रखे था, इसको स्क्वीज करके आप खाएं और इन्जॉय करें। तो ये जो मज़ेदार सी हमारी रेसिपी है चिकन की, ये रेडी हो गई, हमने इसको फ्राई कर लिया है। तो व्यूअर्स, आप लोगों ने हमें अपनी फीडबैक ज़रूर देनी कि ये जो सा हम लोगों ने आपको KFC स्टाइल चिकन फ्राइड चिकन की जो सी फुल फ्राइड चिकन की रेसिपी शेयर की है ये कैसा बना है। तो ये इसका फाइनल लुक है, उम्मीद करते हैं कि आपको जो सी हमारी आज की रेसिपी है ये पसंद आई होगी। ठीक है, तो व्यूवर्स इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी की रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, हमें अपनी फीडबैक देते रहें और आप इसको ज़रूर ट्राई करें, बहुत आसान है और सबसे बढ़ के जो इसकी जो लुक है वो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त आ रही है। और आप लोग देख सकते हैं कि हमने इसको इतना एहतियात से बनाया है कि हमने इसको दो बार फ्राई किया, टू टाइम्स हम लोगों ने इसको फ्राई किया लेकिन फिर भी जो चिकन हमारा वो नहीं टूटा। तो यही एक जो होती है ना ट्रेन शेफ़ के ट्रेन कुक की निशानी होती है कि वो हर काम को बहुत प्रोफेशनलिज्म के साथ करता है, प्रोफेशनल इतना होता है कि उसमें किसी किस्म की ख़राबी नहीं होती। तो आप लोग भी इसे बनाए और हमें अपनी फीडबैक ज़रूर दें। तो व्यूअर्स, जब आप लोगों से जा चाहते हैं इंशाल्लाह एक नई रेसिपी लेकर दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, हम आपके लिए दुआ गो, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।